भारत विरोधी ताकतें लगातार मणिपुर को जलाने में जुटी हुई हैं। मणिपुर में एक बेहद ही खतरनाक खेल चल रहा है। इस खेल में कई देश शामिल हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि मणिपुर में कुकी और मैतई समुदाय के लोग आरक्षण को लेकर लड़ रहे हैं। कई लोगों ने ये भी बताया होगा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को ईसाई बनाने की साजिश चल रही है। ये दोनों ही कारण काफी हद तक सही है, लेकिन मणिपुर हिंसा की असली वजह कुछ और है। आज हम आपको इस वीडियो में बेहद ही आसान भाषा में बताएंगे कि मणिपुर क्यों जल रहा है। बताया जा रहा है कि मणिपुर में हो रहे खून खराबे के पीछ ड्रग्स का एक कुख्यात गोल्डन ट्रायंगल है। मणिपुर अफीम का स्वर्ग कहलाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है। अफीम की खेती पर कुकी समुदाय का कब्जा है, लेकिन 7 साल पहले सरकार ने इसे रोकने की कार्यवाही शुरू कर दी। तभी से कुकी समुदाय के लोग नाराज चल रहे हैं। ड्रग्स की तस्करी पर असर पड़ने की वजह से कुकी समुदाय का रुतबा घट रहा है। इसी बीच मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतई समुदाय के पक्ष में एक आदेश भी जारी कर दिया। मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात कही गई। इसका मतलब ये हुआ कि मैतई समुदाय के लोग उन इलाकों में भी अब जमीन ले सकते हैं जहां कुकी समुदाय के लोग अफीम का धंधा चला रहे थे। बस इसी के बाद से तनाव खूनी हो गया। अब आपको ड्रग्स के गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बताते हैं। दरअसल देश का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मणिपुर को लेकर लगातार चेतावनी देता आ रहा है। मणिपुर की सीमा म्यांमार से सटी हुई है। म्यांमार ड्रग्स के गोल्डन ट्रायंगल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के बीच स्थित है। ड्रग्स के इस गोल्डन ट्रायंगल को साउथ एशिया में ड्रग्स सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इस ट्रायंगल में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए म्यांमार मणिपुर से अच्छी क्वालिटी की अफीम खरीदता है। ये अफीम उसे कुकी समुदाय के लोग बेचते हैं। लेकिन 2018 में बीजेपी सरकार ने मणिपुर में वॉर ऑन ड्रग्स नाम का एक कैंपेन चला दिया। मणिपुर में जहां जहां अफीम की खेती हो रही थी उन्हें नष्ट कर दिया गया। कुकी समुदाय के लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक अनुमान के मुताबिक मणिपुर में 2,00,000 किलो अफीम नष्ट कर दी गई है। इतनी अफीम से 8,800 किलो शुद्ध हेरोइन बनाई जा सकती थी। अगर हेरोइन बन जाती और उसे मार्केट में बेचा जाता तो उसकी कीमत 35,000 करोड़ रुपए होती। यानी कुकी समुदाय के लोगों को 35,000 करोड़ रुपए मिल जाते। इतने पैसे तो मणिपुर के बजट के बराबर हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने मणिपुर में ड्रग्स के धंधे पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जनवरी 2017 से अप्रैल 2023 के बीच 5 सालों में मणिपुर में ड्रग्स से जुड़े मामलों में 2,518 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि कुकी समुदाय के लोग इतना गुस्से में क्यों हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुकी समुदाय के लोगों को हथियार कौन दे रहा है।